गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम केविन है, पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से। आज मैं आपको 11th स्टैंडर्ड की इलेक्टिव बुक इंग्लिश रीडर जो है उसका एक चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है ब्रिजेस। इसे लिखा है कुमुदिनी लाखिया। कुमुदिनी लाखिया के अगर मैं बारे में बात करूँ तो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस भरतनाट्यम डांसर, क्लासिकल डांसर इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारी मूवीज जैसे उमराव जान एंड सो मोर में अपना कोरियोग्राफी का पार्ट भी दिया है। शी इज अ पद्मश्री, शी हैज रिसीव्ड साहित्य कला नाटक अकादमी अवार्ड, शी हैज बीन परफॉर्मिंग इन 40 कंट्रीज और अभी कदम डांस एकेडमी इनकी इलाहाबाद में है। आजादी की 50वीं सालगिरह पे इनको नगर भूषण का अवार्ड भी मिला इलाहाबाद से। एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो शी इज वन ऑफ द रिनाउंड पर्सन इन इंडियन क्लासिकल सिनेरियो। चैप्टर जो शुरू होता है, ये चैप्टर बेसिकली अगर समझना है फ्रेंड्स तो इसको आपको एक पर्सपेक्टिव लेके समझना रहेगा। एक विमेन जो कि इंडियन सोसाइटी में रहती है, कुछ अचीव तो करती है लेकिन सोसाइटी के जो ब्रिजेस हैं, जो दायरे हैं, उसमें उसको किस तरीके से अपने आप को सेटल करके रखना रहता है, तो इस चैप्टर में वो बात बताई गई है। कहा जाता है बचपन में, क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से इंडिया में रहते थे, बचपन में इनके अंदर एक डांस का जील जागा था। एक वाकया होता है, एक इनकी फैमिली रहती, पापा इंजीनियर रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स रहती है उनकी, कैंटोनमेंट्स वगैरह में लाइंस वगैरह बिल्ड करते हैं, तो इनकी लाइफ थोड़ी सी हैपजर्ड रहती है कि ट्रांसफ़र, आप में से जितने बच्चों के पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते होंगे आपको पता होगा हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग। होता यूँ है दोस्तों कि बचपन में एक बार ये कुमुदिनी जो है वो मूवी देखने जाती है मम्मी के साथ में, एंड वो मूवी होती है मुमताज़ अली साहब की, जो कि फादर है महमूद। अगर अपने लकी अली साहब का नाम सुना होगा तो उनके फादर हैं महमूद, ही वॉज अ फेमस कॉमेडियन इन द प्री 80s एरा, एंड उनके फादर मुमताज़ अली साहब उनकी मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक डांस नंबर देखा था, तो वो डांस को कुमुदिनी बिल्कुल इनैक्ट करती है घर पे आके। इस पोटेंशियल को कुमुदिनी की जो मदर थी वो कहीं ना कहीं पहचानती है और लगा देती है उनको लाइन से। इनका घर था खार में, दैट इज़ इन बॉम्बे। इनको एक क्लासिकल डांस की क्लास जो कि गुरु शंकर प्रसाद जी थे उनके अटेंड करवा देते हैं, बॉम्बे की स्टोरी है ये, और जिनका घर चौपाटी में था। अब खार से चौपाटी की जो जर्नी होती है दोस्तों वो लगभग 45 मिनट्स की जर्नी होती है, ट्रेन लेना फिर लोकल बस में चढ़ना, जो मुंबई आइट्स हैं वो ये समझ सकते हैं। एंड वहाँ से जाके फिर वो क्लासेस अटेंड करती है। अब इनको बेसिकली शिफ्टिंग वाली जॉब मिलती है, इनके पापा नैनी इलाहाबाद, देन गोज़ टू ऑल प्लेसेस गुजरात एंड जहाँ भी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक हो गया था और प्री इंडिपेंडेंस एरा भी थोड़ा चल रहा था, तो गवर्नमेंट उनको बुला रही थी थोड़ा सा डेवलपमेंटल कार्य के लिए। अब इनको एक घर दिया जाता है दिल्ली में। दिल्ली में इन्हें हार्डिंग्स एवेन्यू पहले एक जगह हुए करती थी जो कि आज तिलक मार्ग के नाम से फेमस है, वहाँ पर इन्हें बहुत बड़ा स्प्रॉलिंग बंगलो दिया गया था और इनका पड़ोसी जो था वो साहब थे लियाकत अली साहब। लियाकत अली से कुछ नाम याद आ रहा है, यस ही वॉज लेटर ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक वाक्य यहाँ पे कुमुदिनी बताती है कि ये और इनका छोटा भाई जो था, जो इनके भाई का नाम शायद सुरेश था, इन लोगों ने उनके घर से फ्रूट्स तोड़ने चालू करे और पकड़े गए थे, और जो माली था भाई साहब वो कान पकड़ के इनको लेके गया था लियाकत अली के पास में। बट अनलाइक किसी के डांटने या डरने के चीज़ के जगह लियाकत अली ने तो इनको फ्रीडम दे दिया, कहा कि तुम कभी भी आके मेरे घर पे फ्रूट्स प्लक कर सकते हो और ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब वो जो गार्डनर का चेहरा था दोस्तों वो देखने लायक था, उसके चेहरे पर एक स्कॉर्नफुल रिवेंजफुल व्यू दिखता था जो कि काफ़ी अनजस्ट वाला था। अब होता ये है कि यहाँ से इनकी लाइफ थोड़ा सा टर्न लेने लगती है। अब वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो पढ़ाई करने कहाँ जाए, तो उन्हें भेजा जाता है क्वीन मेरीज कॉन्वेंट जो कि लाहौर, उस समय इंडिया पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों, तो उन्हें भेजा जाता है क्वीन मेरीज कॉन्वेंट लाहौर जो कि एक ऑल गर्ल्स स्कूल था। अब वहाँ पर उनको भेजा जाता है, इन्हें लगता है चलो अब तो छुट्टी यार, अब कोई डांस नहीं, कोई गुरुजी नहीं, कोई क्लासिकल चीज़ नहीं, सब खत्म। लेकिन इसका उल्टा होता है,
उनके साथ उनका एक डांस इंस्ट्रक्टर भेजा जाता है, एक ट्यूटर, जिसका नाम था राधेलाल मिश्रा, जो कि उनके पुराने गुरुजी के नेफ्यू थे। उन्हें भी एक फ्लैट दिया जाता है लाहौर में, और सो इनकी डांस क्लासेस कंटिन्यूड रहती है। क्लास में स्कूल जब वो अटेंड करती है दोस्तों, एक दिन उनको ये समझ में आता, अच्छा वहाँ के प्रिंसिपल को, जो कि एक यू नो इंग्लिश मैन थे, इनकी मम्मी ने ये भी समझा दिया था कि डांस करना ज़रूरी है मेरी बेटी के लिए प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो एक डिवोशन है हमारे धर्म के हिसाब से, डांसिंग इज़ एक्चुअली वर्शिपिंग। अब वो प्रिंसिपल साहब इस चीज़ से एग्री हो गए और वहाँ पे इनकी प्रैक्टिस चलती रही। लेटर ऑन एक दिन इनकी प्रिंसिपल मिस कॉक्स, मे बी शी कॉल्स हिम हर शी कॉल्स हर एंड इन्फॉर्म्स दैट यू नीड टू गो होम इमीडिएटली। यहाँ कुमुदनी को समझ में नहीं आता कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। तो पूछती है क्यों, मेरे एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं। अब कुमुदनी को कहा जाता है कि तुम्हारी मम्मी काफ़ी बीमार है एंड तुम्हारे पापा ने तुमको इमीडिएटली बुलाया है। दोस्तों 3 दिन की जर्नी, वेरियस ट्रेन्स चेंज करके लाहौर से कुमुदनी अपने घर पहुंचती है। तब तक उनकी माता जी का देहांत हो चुका होता है। एक यंग बच्चा जब एक फ्री लाइफ जी रहा है अपने इलेक्टिव, और सडनली उसे एक बोल्ट मिलता है, यू नो कि तुम्हें घर जाना है, तुम्हारी मम्मी बहुत सिक है, और घर पहुंचने पे उसे पता चलता है मम्मी सिक नहीं है, मम्मी की तो मृत्यु हो चुकी है। अब आप थक हार के 36 घंटे की जर्नी करके आप गए हो, घर पहुंचे हो, और आपको ये सीन दिख रहा है। वहां कुमुदनी के अंदर एक ख्याल आता है कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, उसे भूख लगने लगती दोस्तों, लेकिन वो उस अनजस्ट वाले लेवल को एडजस्ट करती है, क्योंकि यहाँ उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है और उसे भूख लग रही है। तो वहाँ वो कहते हैं ना, एक फीलिंग आती है उसके अंदर, जो कहते हैं कि इस फीलिंग को उन्होंने अपनी बुक जो कि अताकिम है उसमें भी एक्सप्लेन करा है, एंड यस शी हैज़ बीन अ गुड राइटर एज वेल। उस मोमेंट उस बच्ची की लाइफ में जो चेंज आता है वो काफ़ी ड्रास्टिक होता है। वो अपनी माँ को एक ऐसी इमेज में देखती है, एक लेडी जिसने जीवन भर मेहनत करी अपने बच्चों को पाल के बड़ा करने में, उनके एस्पिरेशंस उन्होंने अपने बच्चों में डाले, उन्होंने पोटेंशियल देखा अपने बच्चों के अंदर, और उस एस्पिरेशन के हिसाब से वो जीने, यू नो लाइक जीने के प्लान्स करने लगी। और अब वो लेडी एक जगह यू नो लाइक चली गई जहाँ से रिटर्न नहीं करेगी। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एन इंडियन वुमेन, शी हैज़ टू वेयर फुल स्लीव्ड ब्लाउजेस, शी हैज़ टू कवर हर हेड, शी हैज़ टू फॉलो ऑल द ट्रेडिशंस एंड रिलीजन्स, येट शी वाइल सिटिंग एट द विंडो लुक्स आउटसाइड टू द पेपर, न्यूज पेपर गाय हु कैरीज अ मैगजीन और अ फ्रंट पेज एड दैट शोज अ गर्ल इन शॉर्ट्स एंड स्लीवलेस एंड मैन ऑगलिंग अराउंड हर। तो ये जो समाज के चेंजेस हैं, ये थोड़ा सा कुमुदनी को वहाँ पे यू नो सेलेक्टिव प्रोसीजर में लेकर आते। दस द हेडिंग ओवर इज जस्टिफाइड दैट इज ब्रिजेस। कुमुदनी याद करती है कि उसके बाद में अब उनके एग्जाम्स भी अच्छे से पास हो गई है, क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे वो डिसाइड करती है कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कॉमर्स और आर्ट्स ये तो सब लेते हैं, मुझे कुछ हटके करना है। तो शी एक्चुअली डिसाइडेड गोइंग फॉर स्टडीज इन एग्रीकल्चर। नाउ शी जॉइन्स अ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे 30 की क्लास में 29 वर बॉयज, दैट मीन्स शी वॉज द ओनली गर्ल। मच मोर फैसिनेशन अराइजेज इन दोज बॉयज बिकॉज शी वॉज द ओनली गर्ल इन द क्लास, एंड यस हियर शी कम्स टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। क्योंकि इनिशियली तो वो एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, अब सडनली चीज़ें बदल गई हैं। होता यह है, काफ़ी सारे कन्वर्जेशन इनकी ग्रैंड मदर के साथ होते हैं, काफ़ी सारे वाक्य इनके स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, लाइक इनकी साइकिल की हवा निकाल दी जाती है लड़कों द्वारा, ताकि वो इनके साथ वॉक करते हुए बिना किसी मतलब के टॉपिक्स पे बात करना, मूवी, लेटेस्ट सॉन्ग्स, डांस और उन चीज़ों के बारे में बात करते हुए जा सके, मौके ढूंढते थे इनसे बात करने के लड़के, ये कहती हैं। यहाँ पे स्पेशली इनको स्कूल के टीचर्स अच्छे लगते थे, क्योंकि वो शॉर्ट्स पहनते थे और वो थे अमेरिकन्स, और क्योंकि फील्ड में वर्क करना रहता था उनके साथ में। कुमुदनी को भी ये सारी चीज़ें लगती थी, और एक दिन इन्होंने फाइनली शॉर्ट्स पहन के कॉलेज जाना चूज करा, ओनली टू वॉच 58 आईज पेयरिंग ऑन हर, मतलब लाइक वो सब आंखें उनको देख रही थी। अब यहाँ मतलब जितने लड़के थे पूरे टाइम पढ़ाई से बेखबर होके इनकी इनके पैर, इनकी टांगें देखने में लगे थे। यहाँ वो रियलाइज करती है कि उनकी दादी कहती थी दैट गर्ल्स शुड ऑलवेज यू नो लाइक गर्ल्स शुड नॉट पुश देयर चेस्ट आउट, दे शुड कवर देयर लेग्स बिकॉज देयर आर ऑगलिंग व्यूज गिवन आउट बाय बॉयज।
वो काफी हद तक अपनी दादी के साथ डिस्कशंस भी करती थी कि स्लीवलेस पहनना एंड ये मिडरिफ को एक्सपोज करना एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, बट दादी सिंपली कहती थी नो, यू हैव टू डू एज आई से, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, दैट्स इट. कुमुदनी ने यहां से एक चेंज अपनी लाइफ में देखा है. वो जाती हैं एक दिन बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे, इनको राधेलाल मिश्रा जी को सी ऑफ करने के लिए, फाइनली टाटा बाय बाय. बट वहाँ पे उनके कंधे पर एक टैप होती है. वो टैप ये होती है, दैट इज कोमलता दत्त. कोमलता दत्त इज अ पर्सन जो कि उनको इंट्रोड्यूस करवाती है राम गोपाल डांस एकेडमी जो कि लंदन में है, और इन्हें कहती है कि व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क विद अस, बिकॉज शी हैज़ बीन अ गुड डांसर, रिनाउंड हो चुकी है आजकल, लोगों को पता चल गया उनके बारे में. सो दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस. अब जब ये वाकया होता है, सो कुमुदनी कम्स टू मीट पर्सनली राम गोपाल जी. अब राम गोपाल जी से वो मिलती है, उनके साथ वो परफॉर्मेंस करने जाती है. वो एक वाक्या भी बताती है, जब वो जर्मनी गई थी वहाँ पे भी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्हें वो सीन्स दिखते हैं, गरीब बच्चे खाने के लिए मांग रहे हैं, रोड किनारे बैठे हैं. हालांकि इंडिया में तो ये दिखता ही था, लेकिन वहाँ पे स्पेशली ये सीन देख के वो एक पसोपेश में पड़ जाती है कि किस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस, एक वॉर और एक गरीबी, लोगों को एक ही स्टेबलमेंट पे, एक ही सेटलमेंट पे लाके रख देती है. शी एक्चुअली डिग्निफाइज इट. इनकी दादी ने जो कहा था इनकी पावर और इम्पावरिज्म के बारे में, अपनी सेंसेस, दादी ने कहा था मंदिर जाया करो, इन्हें बहुत अच्छे अटपटा सा लगता था. दादी के जो तर्क वितर्क होते थे, वो मंदिर जाना, वहाँ से उनके ज्ञान मिलेगा, सेंसेस खुलेंगे, वो सब चीज़ें इन्होंने पांच पारस बुक में भी मेंशन करा हुआ है. आज कुमुदनी बैठती है और रिकलेक्ट करती है कि मैंने अपनी लाइफ जो बिताई है, मैं हालांकि इधर उधर काफ़ी घूमी थी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे पर्सन मिले हैं, हुज नेम इज़ रजनीकांत. मैं लाइफ में ऑलमोस्ट 30-40 कंट्रीज़ में घूमी हूँ, यूरोप इंडिया आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अब मुझे घर जाना है वापस. 3-4 साल बाद मुझे लगता है घर जाना है, लेकिन तब रियलाइज़ होता है कि अब मुझे घर लेना है, अब मुझे मैरिज करना है, मुझे फैमिली बनाना है. एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फीमेल यू नो कैडर की, वहाँ पे वो चीज़ अर्जेस आने लगती है दोस्तों. टुडे शी इज़ ब्लेस्ड विथ 2 किड्स, दैट इज श्रीराज एंड डॉटर मैत्री एंड ग्रैंड किड्स एज वेल. शी स्टेज इन बेसिकली अ सिटी नाउ, शी रन्स हर ओन डांस अकेडमी दैट इज नोन एज कदम. एंड यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है. मैं ये कुमुदनी रियलाइज करती है कि मे बी वी कैन गो अहेड एंड यू नो एक्सटेंड आर आर्म्स टूवर्ड्स द न्यूएस्ट सोसाइशल वेज. जिस तरीके से हम जी रहे हैं, हम नई सोसाइटी को बहुत अच्छे से अपने अंदर ला सकते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है ट्रेडिशन, वो होती है वैल्यूज़, वो होती है फैमिली सपोर्ट एंड ईगर थिंग्स. उस चीज़ के लिए कुमुदनी काफ़ी हद तक यू नो लाइक लेवलाइज करती है. वो कहती है मैंने लाइफ में हर लेवल को मेंटेन करके रखा है. आई हैव फाइनली बिल्ट अ ब्रिज, मॉडर्नाइजेशन से ट्रेडिशनलिज्म का जो एक ब्रिज होता है. आई हैव एक्चुअली गॉन अहेड एंड लेवलाइज इट. दस द टॉपिक हियर ब्रिजेस इज सुटेबली अडेप्टेड टू दिस चैप्टर. सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा सेशन अटेंड करा. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए. स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस चैप्टर के तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग दम बैक. सी यू अगेन, बाय बाय.